मैं क्या नमस्ते अंकल जी पहचानिया हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम बैक बैक टू 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 एंड यू वीडियो अब यार गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक बार वापस खेलने जा रहे हैं हाउ डिजाइनर गेम। और आप लोगों को पता ही होगा कि यार अभी तक हम लोग बैक टू बैक हाउसेस परचेस कर रहे थे, छोटे छोटे से बड़े बड़े से, लेकिन आज हम लोग परचेस करने वाले एक बहुत ज्यादा बड़ा सा मैंसियन, और ये पहली बार हम लोग करने वाले हैं, तो यार बहुत ज्यादा मजा आएगा। और उस मैंसियन को परचेस करने के बाद यार देखो, मैंने $1.5 लाख जॉब करके कमाए दूसरे घर पे काम करके, और वो सारे के सारे रुपए हम लोग उस मैंसियन पे लगा देंगे, तो फिर आप लोग सोचो भाई हमारा जो मैंसियन है कितना ज्यादा खूबसूरत, कितना मस्त बन जाएगा। तो यार बहुत ज्यादा मजा आएगी, आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना, वीडियो को लाइक नहीं करा है तो यार जल्दी वीडियो को लाइक करो भाई, 50 लाइक का एम करते हैं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलते हैं जल्दी से गेम के अंदर। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं हमारी गेम के अंदर, और भाई साहब आज मुझे इतनी ज्यादा खुशी है ना, मतलब इतनी ज्यादा खुशी है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि ऐसा क्यों, तो यार आप लोग यहाँ पे देखो अपना जो बैंक बैलेंस है ना, $1.5 लाख है, और ये सारे के सारे रुपए मैंने कमाए जॉब करके अपनी मेहनत के दम पे। और भाई आज हम लोग अपना जो न्यू घर परचेस करेंगे उसमें ये सारे के सारे रुपए लगाने वाले हैं। वैसे वैसे मैं फंस का आ गया भाई, ओए ऊपर नहीं चढ़ पाऊंगा क्या मैं भाई साहब, रुको जरा थोड़ा रनर रनअप लेके यहाँ पे जंप करना पड़ेगा। कूद जा भाई, कूद जा यार, नहीं कूद जा भाई, निकल जा। ओके तो यार फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। कह रहे यार अभी एक काम करते हैं कि यार देखो $1.5 लाख तो है ही अपने पास, ठीक है अभी सबसे पहले हम लोग चेकआउट कर लेते हैं कि हमारा ये जो घर है जिस समय जहाँ पे इस समय हम लोग वो कितने बिकेगा। ओके तो $5,25,000 बिक रहा है, और न्यू घर कितने का मिल रहा है $5,18,000 का। वाह ये तो बहुत ज्यादा मस्त चीज हो गई, तो मतलब कि यार अगर हम लोग अपना घर सेल आउट करेंगे ना तो नया घर भी हम लोगों को सेम ही प्राइस पे मिल जाएगा, तो अपने जो $1.5 लाख है वो सारे सारे यहाँ पे बच जाएंगे। ये तो बहुत ज्यादा मस्त चीज होगी। मैं काम करता हूँ जल्दी, सबसे पहले यहाँ पे अपना जो पुराना वाला घर है जहाँ पे इस समय हम लोग है उसको जल्दी सेल आउट कर देते हैं। ओके तो यहाँ पे हम लोग इसको सेल करने वाले हैं, और देखते हैं हमारे बैंक बैलेंस में कितना रुपया हो जाएगा। ऑल राइट तो $6,77,000 अपने पास हो चुके हैं, ठीक है अब ये काम करता हूँ मैं यार जल्दी से, यहाँ पे $5,18,000 जो घर है इसको परचेज कर लेता हूँ भाई। परचेज कर लिया, और ये घर देख लो कितना मस्त लग रहा है भाई, मैंसियन ऑन ग्रूव स्ट्रीट, मतलब कि ये ग्रूव स्ट्रीट में घर बना हुआ है, और ये घर नहीं है काइंड ऑफ मैंसियन है जो आप लोग ऐसा राजा महाराजा टाइप में, मतलब राजा महाराजा वाला तो वो महल हो गया, मैंसियन थोड़ा सा बड़ा होता है घर से, लेकिन होता मतलब कि राजा महाराजा टाइप में बस घर होता है वो एक प्रकार से। तो यहाँ पर चलते हैं जल्दी से इस घर के अंदर, और भाई देखते हैं क्या सिस्टम है। ओके ओ भाई साहब सही में यार ये है एक मैंसियन भाई साहब, मजा आया भाई साहब, इतना ज्यादा मस्त, इतना ज्यादा बड़ा सा घर हम लोगों ने पहली बार परचेस करा है, और उसमें हम लोगों के पास $1,59,000 यानी कह सकते हैं $1,60,000 है अपने पास ऑलरेडी, ठीक है तो ये सारे के सारे अगर हम लोग इस पे लगा दें, मान लो अगर इस पे लगा दे भाई कितना ज्यादा मस्त लग लेगी, और मानना नहीं है ये हम लोग करने वाले। सबसे पहले यहाँ पे जितना कूड़ा है ना ये भैया मैं साफ करता हूँ एक एक करके सारे के सारे, एक भी चीज नहीं बचाने वाला हूँ यहाँ पे, कुछ भी नहीं बचने वाला है। तो यार यहाँ पे जो अपने किराएदार का रूम है ना वो भी हम लोगों ने साफ कर दिया है, वैसे यहाँ पे यार और सारे के सारे रूम तो बिल्कुल क्लीन हो ही गए, मतलब क्लीन क्या हो गया, मतलब जितना कूड़ा पड़ा हो तो सबको साफ कर दिया है। अभी मैं काम करने वाला हूँ घर के अंदर, जितना भी पुराना यहाँ पे फर्नीचर है या फिर कितने भी पुराने आइटम है जैसे कि खिड़कियों की विंडो वगैरह, और यहाँ पे देखो गेट में भी दरवाजे पे जंग लग गई, बिल्कुल जंजर से दरवाजे हो गए, मतलब खत्म से दरवाजे हो गए, तो इनको भी यहाँ पे हम लोग बेच देते हैं, सारे सारे नए लगवा देंगे, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो बेड सोफे बहुत ज्यादा गंदे यार, और यहाँ पे अगर किराएदार अपना रहेगा ना तो भाई साहब मरी जाएगा, बोले इतना ज्यादा गंदे, और यहाँ पे टेबल यहाँ पे जो चेयर से ये भी बिल्कुल देखो यहाँ पे चकना चूर हो गए भाई, यहाँ पे देखो ये पेंट एंड सूट है पूरा पूरा बेकार हो गया, बहुत ही ज्यादा घटिया हो गया है। तो सारी की सारी चीजों को भी मैं बेच देने वाला हूँ जितनी पुरानी चीजें मुझे यहाँ पे दिखने वाली है, और फिर उसके बाद कोई टेंशन वाली बात नहीं, अपने पास रुपए बहुत है यार, सब कुछ खरीद लेंगे नया, सब कुछ खरीद सकता हूँ, पैसों में अंधा हो गया हूँ अंबानी। गैराज का दरवाजा बिक गया, अब यहाँ पे ये वाला डोर बेच देते हैं, और यहाँ पे एक अलमीरा रखी हुई इसको बेच देते हैं, और यहाँ पे एक छोटी सी अलमीरा, यहाँ पे विंडो, और यहाँ पे ये गेट, और यहाँ पे ये भाई साहब ये वाला गेट भाई साहब ये स्लाइडिंग डोर होता है इसको बेच देते हैं। यहाँ पे सोफे, यहाँ पे जो गेस्ट रूम के अंदर है इनको भी यहाँ पे सेल आउट कर देते हैं, चेयर वगैरह काफी सारी चीजें, और मुझे लग रहा है हम लोगों ने घर की सारी सारी चीजें भी डाली क्या, मतलब घर की एक तो अंदर सारी सारी चीजें पुरानी है भाई, मैं हर एक चीज को चेकआउट कर रहा था कौन चीज अच्छी है कौन सी बेकार है, तो कुछ चीजें बचा लूं, लेकिन यहाँ पे यार कुछ भी अच्छा नहीं था, पूरा पूरा घर ही ऐसा बिल्कुल कूड़ा सा पड़ा हुआ था। तो यार सारी सारी चीजें बेच दी, खैर
अभी यहाँ पे यार घर के अंदर मैंने झाड़ू उठा लिया। अभी एक काम करने वालों के देखो यहाँ पे कहीं कहीं देखो मकड़ी जाला लग जाता है या फिर ऐसी जगह जहाँ पे धूल लग जाती है, देखो जैसे यहाँ पे लग गई है भाई साहब, हर जगह ही लगी रहती है कहीं ना कहीं। एक इतनी हवा चलती है और इतने दिनों से घर ऐसा पड़ा हुआ था बेकार सा, तो इसलिए और यहाँ पे धूल लग गई जगह जगह पे। तो यार इसको मैं जल्दी से क्लीन करता हूँ सारी सारी जगह पे। वैसे है तो बहुत सारी जगह मुझे लग रहा है, पूरे पूरे यहाँ पे घर के अंदर साफ सफाई हो चुकी है, बिल्कुल क्लीन सब कुछ हो चुका है। बस बाहर साइड एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ कि बाहर, अरे भैया जी यार बाहर भी धूल लगी हुई है जगह जगह पे। ओके तो इधर साइड तो क्लीन हो गया और कहीं तो नहीं। ओ लो भैया यहाँ पर भी लगी हुई है। ओके तो ये भी कर दिए साफ, इधर साइड भी थोड़ी धूल है और डन। तो अभी पूरी पूरी साफ। ओ क्या यार मैं सोच रहा अब साफ होगी, अब साफ होगी भाई साहब, बार बार धूल निकल जा रही कहीं। ओ लो यहाँ पे यार देखो इतनी ऊपर कैसे साफ होएगा, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। लो भैया यहाँ पे कैसे पहुँचेंगे, इतनी तो मेरी लंबाई भी नहीं हो, वैसे इंसान ही हूँ तो यार इंसान तो इतने लंबे हो नहीं सकते कि वहाँ पे पहुँच जाओ। कुछ तो यहाँ पे सीढ़ी वीढ़ी दूसरे घर से मंगवानी पड़ेगी। भैया कोई पास सीढ़ी है क्या? अगर कोई पास सीढ़ी हो तो भैया दे दो यार, थोड़ी देर के लिए काम हो जाएगा मेरा, बस साफ सफाई करनी थोड़ा सा। ऐसे क्या ही मतलब कैसे साफ करें यार, इसका कुछ तो जुगाड़ होएगा यार, इसका कुछ तो जुगाड़ होएगा। मैं एक काम करूँगा, देखो हम लोग बाद में एक कार परचेज कर लेंगे लास्ट में, ठीक है? अपने लिए एक बहुत ज़्यादा मस्त थी, इन भैया जी से ज़्यादा मस्त। ये देखो ये एक मस्ती कार खड़ी हुई, भाई साहब रेंज रोवर टाइम में लग रही है, तो इनसे जैसी मस्ती कार खरीदेंगे उसमें चढ़ करके यहाँ से पहुँच जाए ऐसे झाड़ू, तो वो देखेंगे आगे चल के। खैर अभी एक काम करते हैं भैया, यहाँ पे यार चोरी नहीं करवाना अपने घर के अंदर, रात हो जाएगी ना तो चोर और भटकते रहते हैं भाई साहब, चाहे जौन से एरिया हो भाई, चाहे जितना मस्त हो चोरी हो रही तो हो ही जाती है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे मस्त जो दरवाजे खिड़कियाँ हैं ना वो परचेस करते हैं हम लोग अपने लिए अपने घर के लिए। ओके तो दरवाजे खिड़कियाँ यहाँ पे मिलने वाले हैं हम लोग। ओके तो यहाँ पे दरवाजे तो मिल चुका है, वैसे ये मैंसियन है ठीक है। अब मैंसियन के अंदर बहुत ज़्यादा मस्त मस्त चीज़ें लगाऊंगा मैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक ये डबल डोर लगाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा महंगा प्राइस है इसका, लेकिन भाई साहब ये स्लाइडिंग डोर से बहुत ज़्यादा मस्त है। अगर ये पीछे से ना होकर के ना ये गेट आगे होता तो और भी ज़्यादा मस्त सा लगता। खैर हाँ सेम क्वालिटी का जो गेट है वो हम लोग अपने मेन डोर पे भी लगाने वाले हैं। ऐसा प्रकार का एक और गेट होता है वो जो था मस्त होता है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। डोर 18 है, एक डोर 19, एक ये वाला है देखो ये पूरा पूरा बंद है ठीक है, और एक ये है इतना सा बंद है। तो मैं यहाँ पे पूरा बंद वाला चाहिए मुझे, $3,350 का है, महंगा लेकिन है, इसको परचेस कर लिया। अब देखो देखो जो इनकी शान है घर की ना ये बढ़ चुकी है इन दोनों गेट से लगने से ठीक है। वैसे पूरे पूरे घर के अंदर ये वाला गेट नहीं लगाने वाले क्योंकि और भी बहुत सारे काम है, वरना तो हम लोग गरीब ही हो जाएंगे। तो हाँ यहाँ पे हम लोग जो डोर है उनको चेंज करने वाले हैं, तो यहाँ पे कौन सा डोर लगा सकते हैं? वैसे डोर 17 काफी ज्यादा सही रहेगा, और वैसे मैं मतलब डोर 7 सॉरी, आज तक ऐसे जो दरवाजे हैं ना ये हम लोगों ने अपने घर पे लगाए नहीं है सही बताया तो ठीक है। तो एक काम करते हैं इस बार ये वाले जो दरवाजे हैं ना ये भी आप लोग घर के अपने घर के अंदर लगा के देख लेते हैं। अब कैसे से लगेंगे वो तो बाद में पता चलेगा जब पूरे पूरा घर बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे इस बार हम लोग यूज़ करने वाले ये लकड़ी के दरवाजे आज तक यूज़ नहीं करे हम लोगों ने। तो यार पूरे पूरे घर के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे जो दरवाजे हैं ना यहाँ पे लगा दिए, इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ, थोड़ा सा अभी धूप जाती रहेगी ना तो सही रहेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जो गंद अंदर रहती है ना वो मिट जाती है ऐसा खुला रहने से दरवाजा, क्योंकि धूप जाती रहती है तो फिर धूप से हो जाता है साफ। खैर अभी एक काम करते हैं कि यहाँ पे दरवाजे तो हम लोगों ने मंगा लिए, अभी बाहर है कि यहाँ पे मस्ती खिड़कियाँ लाई जाए ठीक है। तो वैसे खिड़कियाँ भी कोई मस्ती हम लोग लेने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल भी खराब सी नहीं लेने वाले हम लोग ठीक है। तो वैसे काफी प्रकार की खिड़कियां हैं, डबल विंडो विद 4 शटर्स। वैसे हम लोग ने पिछली बार डबल विंडो विद 2 शटर्स लगाया था अपने घर के अंदर, इस बार एक काम करते हैं थोड़ा सा और महंगा जाते हैं, डबल विंडो विद 4 शटर्स। वैसे इनका प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट $60 थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो वैसे जितनी भी खिड़कियाँ लगेंगी उनमें $60 वो हो के तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन चलो ठीक है इस बार हम लोग ये लगाने वाले। बहुत ज़्यादा प्यारी इस खिड़कियाँ लगती है यार देखने में, अभी खिड़की लग चुकी है, अभी यहाँ पे देखो पूरी पूरी घर के अंदर लग ही गई मुझे लगता है। कहीं पर भी कोई भी रूम बाकी तो नहीं है, वैसे मैं थोड़ा सा चेकआउट कर लेता हूँ। ऐसे बाथरूम के अंदर तो क्या ही होगा, बाथरूम के अंदर तो खिड़कियाँ लगती ही नहीं है। वैसे एक यार घर था हम लोगों ने पहले परचेज करा था, उसके अंदर बाथरूम में खिड़की लगी थी यार, वो भी पीछे साइड से, मतलब नजर थे उस घर के अंदर। कह रहा यहाँ पे ये धूल यहाँ पे लगी हुई, बड़ा यार परेशान कर रही, बड़ा दुखी हो चुका हूँ यार मैं। तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा है, मैं वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहा, और यहाँ पे किसी के पास सीढ़ी भी नहीं। एक तो बड़े बड़े अमीर लोग ये लोग सीढ़ी कहाँ ही रखते हैं ठीक है। खैर अभी एक काम करते हैं यहाँ पे, अभी जो जो गैराज के दरवाजा है इसको परचेस करते हैं।
तो वैसे ये बड़ा वाला गैराज है, तो बड़ा वाला दरवाजा चाहिए, वाइड जो गैराज होता है ना ये है। ऑल राइट, तो यहाँ पे पेंट वैसे काफी सारे हैं, और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि दो तीन प्रकार के अगर पेंट हम लोग चेकआउट भी कर ले तो ऐसा कोई टेंशन तो नहीं रहेगी, है ना। तो वैसे यहाँ पे देखो एक सिंपल ग्रे है, ये पेंट मैं चेकआउट करने वाला हूँ। उसके बाद एक यहाँ पे ये पेंट डीप ब्लू है, ये मैं चेकआउट करने वाला हूँ। ऑल राइट, और एक दो पेंट और अगर सही से मिल जाते तो वापस सही रही था। वैसे रेड कलर का जो ऐसा पर्पल टाइप में है, जैसे कि ये एक है, मैं चेकआउट करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जरा सबसे पहले ये पर्पल कलर का है जो ये, इसको चेकआउट करते हैं। ओके, ओहो भाई साहब ये लग तो बहुत ज़्यादा प्यारा रहा है भाई, ये बढ़िया लग रहा है। वैसे यहाँ पे एक ये डीप ब्लू पेंट है, जरा इसको भी चेकआउट कर लिया जाए। ओके, तो वैसे ये भी बढ़िया लग रहा है यार, ऐसा कोई ख़राब तो नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा ये भी लग रहा है। ऑल राइट, और यहाँ पे जो ग्रे कलर का है ना, मैं एक काम करता हूँ इसको भी चेकआउट कर ही लेता हूँ, इसको भी मंगाया तो। ऑल राइट, तो वैसे ये भी सही सा लग रहा है यार। तो एक काम हम लोग कर सकते हैं यार, ये पता है एक बहुत ज़्यादा मस्त चीज़ बन जाएगी, रुको मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस प्रकार से पेंट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग ये वाला कर देंगे, और यहाँ पे जो ऐसे पतली पतली जो वॉल है, ऐसा तिरछा तिरछा सी वॉल जो है, जैसे कि ये वाली वॉल होगी, इन जगहों पे अगर हम लोग ग्रे पेंट कर दें तो क्या ही परफेक्ट मैच हो जाएगा, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा बढ़िया से लगने लगेगा भाई। ये तो यार अलग ही प्रकार की तरकीब निकाल दी हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा मस्त सी है ना। तो यहाँ पे देखो अभी ये वाला हो गया है, अभी हम लोग यहाँ पे डीप ब्लू पेंट करेंगे, ठीक है। तो भाई और भी ज़्यादा बढ़िया लगने का, ये यार गजब की तरकीब हम लोगों ने ढूंढी है। A few minutes later. तो यार यहाँ पे मैंने ये वाला पेंट कर दिया। अब ऐसा मैंने इसलिए कह रहा ना क्योंकि यहाँ पे देखो इधर साइड था ब्लू कलर, ठीक है, और उधर साइड था भाई पर्पल कलर। अगर मैं यहाँ पे ब्लू करता तो भाई उधर से मैच कर जाता, और अगर पर्पल करता तो भाई इधर से मैच कर जाता, इसलिए मैंने तीसरा कलर चूज करा जो कि ये काइंड ऑफ जुगनू कलर जो होता है ना, जुगनू चमके ऐसा वो वाला कलर जो है वो यहाँ पे कर दिया। वैसे सोच रहा हूँ जुगनू कलर यहाँ पर भी कर दूँ, लेकिन यहाँ पे यार सीढ़ी मंगवानी पड़ेगी, और यार सीढ़ी का जुगाड़ अभी तक नहीं हो पाया है। तो आज जैसे सीढ़ी जुगाड़ हो जाएगा ना, वो हम लोग वहाँ पे पेंट कर देंगे जुगनू वाला, तो और भी ज़्यादा मस्त अपना घर लगने लगेगा। वैसे ये बहुत ज़्यादा मस्त चीज़ हो गई यार, पीछे से मैं एक बार यहाँ पे देख ही लेता हूँ कैसा लग रहा है। ओहो कितना ज़्यादा प्यारा से लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है। और ये खिड़कियाँ जो डबल विंडो फोर सीटर्स है ना, ये तो भाई साहब इसका लुक और भी ज़्यादा निखार रही है यार, बिल्कुल गजब ही लग रहा है। वैसे देखो यहाँ पे जो ये स्लेटी कलर का है ना भाई साहब, ये पूरा ये बहुत ज़्यादा बढ़िया सा वॉलपेपर लगा हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पे स्लेटी पेंट करें तो क्या ये इसका जो लुक है वो वैसा ही रहेगा? बहुत ज़्यादा बढ़िया सा लग रहा है क्योंकि ये स्लेटी कलर। ऑल राइट, हाँ तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तो लग रहा है यार, मैं कर देता हूँ ये वाला यार, लग तो बिल्कुल प्यारा सा कलर लगा रहा है यार। यहाँ पे ये जो स्लेटी कलर हम लोगों ने कहा ना, बहुत ज़्यादा मस्त सा लग रहा है। अभी एक काम करते हैं कि यहाँ पे जैसे घर के अंदर कलर्स हैं वैसे करें जाए क्या, पूरे पूरे घर के अंदर थोड़ा सा नया चीज़ ट्राई करेंगे, है ना। तो ये काफ़ी तो मतलब अलग सी चीज़ होगी, जैसे कि यहाँ पे देखो पिंक कलर है, ठीक है, यहाँ पे बाथरूम के अंदर, तो वैसे बाथरूम के अंदर तो टाइल्स ही लगने वाली हैं यार, बाथरूम के अंदर तो पेंट होता नहीं है, तो चलो बाथरूम के अंदर रहने देते हैं, बाथरूम छोड़ो। यहाँ पे देखो ये ग्रीनिश प्लस वाइट कलर है, लेकिन यहाँ पे यार ये दीवार टूटी यार, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे जो वैसे घर के अंदर कितनी जगह दीवार टूटी हुई है, हम लोग साफ सफाई करी तो वैसे ज़्यादा जगह मुझे दिखाई तो नहीं पड़ी थी कि कहीं पे वॉल ज़्यादा टूटी हुई है, लेकिन हाँ फिर भी मुझे लग रहा है ना कि हो सकता है कि कहीं और टूटी हुई, मैं जरा चेकआउट कर लेता हूँ क्या कहीं पर और यहाँ पे वॉल टूटी हुई है। अगर टूटी हो तो भाई साहब एक ही बार में जोड़ दे, बार बार की पुट्टी मंगाने पड़ेगा, फालतू में यार रुपए बार बार ख़राब हो गए, मतलब कि बर्बाद हो गए, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ, एक बार में सही कर देते। वैसे है नहीं यार, मैं सही बताऊँ ना तो कहीं पर भी है नहीं ज़्यादा वॉल टूटी हुई, इधर भी नहीं है और बाथरूम के अंदर तो नहीं है, नहीं यार चलो कंप्लीट है, और पूरी पूरी जगह मतलब कि ख़राब था, बस यहीं पे यार थोड़ा सा अपना जो किचन के अंदर था ना, शायद से कोई भगवानों का ना यहाँ पे लड़ गया होगा या फिर कुछ तो खतरनाक चीज़ हो गई होगी जिसकी वजह से यहाँ पे दीवार टूट गई होगी। खैर अभी यहाँ पर देखो ये जो वॉलपेपर जो ये वाला है ना, जहाँ जहाँ पे वहाँ पे हम लोग एक कलर चूज़ करना पड़ेगा। अब ऐसा कौन सा कलर हो सकता है जो कि हम लोग चूज़ कर सकते हैं? वैसे अगर हम लोग ये वाला कलर चूज़ करें तो क्या रहेगा, मतलब देखते हैं कैसा रहेगा, ठीक है। वैसे थोड़ा सा मुझे सही सा कलर लगा है। ओके वैसे यार आज तक हम लोगों ने ऐसा कलर अभी तक अपने घर पे नहीं करा हुआ है, तो अगर हम लोग करें तो काफ़ी तो मस्त सा लग सकता है। वैसे गैराज के अंदर वाइट कलर का पेंट है तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे। अभी सबसे पहले एक काम मैं करता हूँ कि यहाँ पे करके देखता हूँ एक बार पूरे पूरे रूम के अंदर। ये तो कर दिया पेंट यहाँ पे, देखो देखो कैसा लग रहा है भाई, कैसा लग रहा है, बढ़िया सा लग रहा है ना।
हाँ सही लग रहा है। एक तो यार देखो आज तक ऐसा पेंट कभी करा नहीं हम लोगों ने अपने घर के अंदर, और नई चीज ट्राई करते रहने से। वैसे यहाँ पे यार धूल लगी हुई है, मैंने ध्यान नहीं दिया था क्या। अपना जो ये वाला रूम है इसके अंदर देखते हैं कौन सा कलर कर सकते हैं। वैसे रेड कलर का पेंट है यहाँ पे, रेड कलर का यहाँ पे क्या हम लोग कोई पेंट मिल जाएगा। पेंट लाइट ऑरेंज है, वैसे ये नहीं सही रहेगा, रेड ऑरेंज करके देखते हैं यहाँ पे। वैसे पेंट के अंदर मैं बहुत ज्यादा रुपया ऐसा खर्च करते जा रहा हूँ, एक पूरी पूरी बाल्टी मंगाए ले रहा हूँ। वैसे ओ भाई साहब कुछ अलग ही फीलिंग आ गई यार, ये पेंट देख करके पता नहीं एक अंदर से अलग वाइब आ गई मेरे अंदर, पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है थोड़ा सा। उन्हें बहुत ज्यादा डार्क रेड है यार, बहुत ज्यादा डार्क रेड लग रहा है, देखो देखो कितना ज्यादा डार्क रेड है। लेकिन अब प्यारा लगेगा, करते हैं वाला पेंट। पेंट तो हो गया पूरे पूरा यहाँ पे रूम के अंदर पेंट, और लग रहा है यार बढ़िया लग रहा है, ये वाला रूम बढ़िया लग रहा है। वैसे ऐसे जहाँ जहाँ पे मतलब कि ये वाला कलर का जो है ना वॉलपेपर, उस जगह पर रेड कलर पेंट करने वाले हैं, और जहाँ पे ये वाला है आप लोग जानते हो यहाँ पे कौन सा कलर का पेंट करेंगे हम लोग। तो 2000 years later फाइनली कंप्लीट हो चुका है जो सारे घर के अंदर पेंट का काम था ना, यहाँ पे फिनिश हो चुका है। वैसे यार यहाँ पे मैंने ये वाला कलर कर दिया पेंट, कैसा लग रहा है भाई। यहाँ पे जो किराएदार का रूम है ना उसके अंदर मैंने ये वाला पेंट कर दिया है। कह रहा अभी घर के अंदर भाई जगह जगह पे जो यहाँ पे पेंट की यहाँ पे बाल्टियाँ है ना ये रखी हुई हैं, मैं काम करता हूँ सारी पेंट की जो बाल्टियाँ ना सेल आउट कर देता हूँ, क्योंकि अब पेंट का काम तो यहाँ पे ख़त्म हो ही चुका है मुझे लग रहा है, और कहीं पर ज़रूरत तो वैसे होगी नहीं। कहीं पर कोई बाल्टी वाल्टी बाकी तो नहीं भाई साहब, इधर भी 2 बाल्टी कितनी भाई 10-12 बाल्टी आज हम लोगों ने मंगा ली लग रहा पेंट की, बहुत ही ज़्यादा मंगा ली थी। ओके तो वैसे यहाँ पे यार थोड़ी धूल लग गई है, मैं काम करता हूँ साफ कर देता हूँ। और हाँ अभी यहाँ पे देखो गैराज के अंदर मैं कोई भी पेंट नहीं करने वाला हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे पहले से व्हाइट कलर का पेंट है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे यार जल्दी से मैं फ्लोरिंग चेकआउट कर लेता हूँ, मैं ये वाली फ्लोरिंग यूज़ करने वाला हूँ हार्डवुड। ओके तो यहाँ पे हार्डवुड फ्लोर सेट है और ये 40 डॉलर की ये फ्लोरिंग है, वैसे है बहुत ज़्यादा प्यारी सी। और वैसे यार मैं फ्लोरिंग लगाने लगा और मैंने अभी तक जो बाथरूम है ना इसके अंदर टाइल्स नहीं लगा हुई हैं। वैसे बाथरूम के अंदर यहाँ पे जो पिंक कलर की टाइल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से लग रही है, मैं काम करता हूँ कि जब पिंक कलर की टाइल्स चेकआउट करी जाएँ कि हैं या फिर नहीं। वैसे हैं तो ओके, तो यहाँ पे फ्लोर टाइल भी मिल गई है, ठीक है। तो ये वाले परफेक्ट हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये वाले टाइल्स लगाने वाले हैं, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, इसको भी यहाँ पे, और यहाँ पे जो फ्लोर टाइल है ये मुझे चाहिए थी कि ये सेम कलर की मिल जाए। ऑल राइट भाई साहब कितना ज़्यादा बढ़िया से यहाँ पे बाथरूम बना दिया, सेम यार ऊपर इस वाले बाथरूम के अंदर भी कर देते हैं। इसकी टाइल्स वैसे देखेंगे बड़ी कैसी है, अच्छा ये भी सेम ही है। तो यहाँ पे यार पूरे पूरे जो यहाँ पे टाइल्स हैं मस्ती लग गई हैं, अभी बहुत ज़्यादा प्यारा सा बाथरूम ऊपर वाला भी लगने लगा है। अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे किराएदार रहेगा ना भाई साहब मस्त रहेगा, ठीक है। ओके तो अभी गेट मैंने सारे खोल दिए, सारे गेट खुले हैं ना घर के, हाँ तो कोई टेंशन नहीं है। अभी एक काम करता हूँ मैं कि यहाँ पे जो हम लोग फ्लोरिंग काम अधूरा रह गया था ना, हम लोग बीच में छोड़ करके चले गए थे, इसके यहाँ पे जल्दी से फिनिश करते हैं। तो हाँ फ्लोरिंग यहाँ पे हम लोग को देखो बस बाथरूम में छोड़ करके और गैराज में छोड़ करके हर जगह फ्लोरिंग कर देनी, यहाँ पे बस वैसे रहने देना, इधर तो इधर अच्छा इधर भी नहीं हुई है। चलो अब ये एक काम करते हैं यार कि अपने घर के अंदर जो रूम है जो किचन वगैरह है इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि अपना जो किचन है ना उसको बनाते, तो एक काम करते हैं किचन के सबसे पहले जो सारे कैबिनेट्स हैं वो लाने पड़ेंगे, और आप लोग तो जानते हो भैया सबसे पहले पेट पूजा उसके बाद काम दूजा, ठीक है। तो यार इसीलिए मैं सबसे पहले किचन को तैयार कर रहा हूँ ताकि यार हम लोग भूखा ना मरना पड़े। ओके तो यहाँ पे ये कैबिनेट्स आ चुके हैं, वैसे एक कैबिनेट और मैं लाने वाला हूँ जो कि ये वाला होने वाला है। वैसे इधर बीच में थोड़ा सा गैप है ना, मैं काम करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा सही जुगाड़ करता हूँ, इसको भी इधर चिपका देंगे, इसको उठा के थोड़ा सा इधर चिपका देंगे, और सेम काम इन दोनों कैबिनेट्स के साथ भी हम लोग कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। ओके इधर भी ऑल राइट तो डन, यहाँ पे पूरा पूरा जो अपना काम है यहाँ पे मस्त हो चुका है, ये कैबिनेट्स बिल्कुल बनके तैयार हो चुके हैं। यार एक सिंक वाला कैबिनेट भी मैंने लगा दिया था कि यहाँ पे हाथ धोने वाले जैसे बर्तन वर्तन धुलने पड़ते हैं ना तब प्रॉब्लम ना हो। खैर यहाँ पे किचन के जो कैबिनेट वाले टॉप वाले होते हैं इनको भी परचेस कर लेते हैं, एक ये वाला मैंने परचेस कर लिया। यहाँ पे बाथरूम वाले पे मिल जाना चाहिए, हाँ यहाँ पे हम लोग पॉट्स मिल जाएंगे और ये रास्ता ऐसे यही लगेगा, हाँ तो कुछ इस प्रकार से लग जाएगा। इसको हम लोग चालू करके यहाँ पे ऐसा नल जो नल चालू करके मस्त हाथ पैर धो सकते, मतलब हाथ पैर तो नहीं बर्तन धो सकते हैं, यहाँ पे हाथ पैर कौन धोने वाला यार अलग ही नशे चल रहे हैं। खैर हाँ हम यहाँ पे हम लोग एक काम करने वाले हैं जो किचन के यहाँ पे देखो सारे आप लोग समझ रहे हो ना, यहाँ पे डाइनिंग टेबल वगैरह सब कुछ यहाँ पे सेटअप बिठाने वाले हैं, वो भी मस्त वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल 3 परचेस कर लेते हैं, $1800 की है। वैसे अगर हम लोग इधर इसको ऐसे लगा दें तो मस्त खाना वाला बन सकता है, लेकिन इसको चटा करके एक हम लोग ये गोल वाली भी ला सकते हैं, और यहाँ पे इसके लिए हम लोग को चाहिए रहेंगी 2 चेयर्स, एक चेयर ये वाली भी परचेस कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा, और एक चेयर मैं सोच रहा हूँ इधर भी लगा दूँ। वैसे हाँ डन हो जाएगा काम अपना, बढ़िया सा लग रहा है, ठीक है। नहीं बढ़िया लग रहा है यार, एक 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 लगा देते हैं इधर,
कुछ इस यार सही से उठ जा थोड़ा सा तो उस काम बन जाए अपना डन। हाँ अभी मैं काम करने वाला हूँ, इसको सेल आउट कर देने वाला हूँ। एक चेयर बहुत है क्योंकि यार घर में तो हम लोग अकेले रहने वाले हैं, उधर से लगाएंगे तो यहाँ पे इधर जाते नहीं बनेंगे और इधर जो सामान वगैरह रखे होंगे तो वो नहीं आ पाएंगे। ठीक है तो ये काम हो चुका अपना। अभी बारी है कि किचन के अंदर हम लोग सारे सारे जो अप्लायंसेस हैं वो लेके आए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक कैटल चाहिए रहेगी। ठीक है इससे हम लोग चाय दाल केतली होती है, आप लोग जानते हो बचपन में केतली इतली बारे में पढ़ा होगा थोड़ा बड़ा इधर उधर। ऑमलेट ऑमलेट वगैरह बनाना हुआ तो भाई साहब इसी का यूज़ तो होएगा। ठीक है तो यहाँ पे यार अपना जो किचन है फुल्ली रेडी हो चुका है, यहाँ पे डाइनिंग टेबल ही तैयार है, सब कुछ परफेक्ट हो चुका है ऑल राइट। अब ये काम करते हैं, बारी है बाथरूम की। बाथरूम के अंदर जितने भी आइटम्स हम लोग लगाने हैं वो लगा देते हैं, वैसे बाथरूम काफ़ी ज़्यादा छोटा है। ठीक है तो यहाँ पे हम लोग एक काम करने वाले हैं, एक मैं सार परचेस कर लेता हूँ, एक टॉयलेट परचेस कर लूंगा। सार को मैं डायरेक्ट इधर लगा देने वाला हूँ, डायरेक्ट उधर पूरा पूरा चिपका रहेगा दरवाजे से, बहुत ज़्यादा मस्त मतलब कि दीवार से बहुत ज़्यादा मस्त रहेगा। ठीक है हाँ तो यहाँ सार हम लोग ने परचेस कर लिया, एक टॉयलेट हम लोग परचेस कर लेते हैं, टॉयलेट टू इसको मैं परचेस कर लेने वाला हूँ और इसको मैं लगा देता हूँ इधर से। ठीक है अब एक सिंक परचेस कर लेंगे और जो सिंक होएगा उसको हम लोग यहाँ पे लगा देंगे कुछ इस प्रकार से, ऑल डन ऑल राइट। और इसका यहाँ पे ये वाला लगता है ना, हाँ ठीक है एक यहाँ पे ये लग गया सिंक का और परफेक्ट हो चुका है। इसको हम लोग ऐसे चालू करेंगे मस्त पानी आएगा और इधर हम लोग ऐसे नहा सकते हैं इसको चालू करके, हाँ तो परफेक्ट काम हो चुका है अपना। सबसे पहले हम लोग गेस्ट रूम पे काम कर लेते हैं और उसके बाद लास्ट रूम जो अपना बाकी बचेगा वो होगा अपना पर्सनल रूम जहाँ पे हम लोग रहने वाले हैं। ठीक है तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले गेस्ट रूम के अंदर एक सोफा लाने वाले हैं। वैसे 3 सीटर सोफा अगर हम लोग लाएं तो क्या लाते बन मतलब रखते बनेंगे यहाँ पे या फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे लग रहा है प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ तो यहाँ पे वैसे ऐसे बन सकता है भाई, परफेक्ट परफेक्ट ऐसा ऐसा मस्त बनना है। ठीक है हाँ जैसा ऐसा ठीक है बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है यार, और इतने में तो बहुत बहुत सारे लोग आ जाएंगे मस्त बैठ के आराम से बैठ सकते हैं। ठीक है अभी वैसे टीवी परचेस करने की ज़रूरत है क्या, क्योंकि यहाँ पे हर जगह तो नहीं ज़्यादा दिख रही है। टीवी लगाएंगे किधर, अगर लगाएं तो इधर लगा सकते हैं टीवी। चलो तो परचेस कर ही लेते हैं कि यार मतलब कि थोड़ा बड़ा टाइम मतलब कि टाइम पास होना चाहिए। ठीक है तो यहाँ पर मैं टीवी जो है ना इसको यहाँ परचेस करके लगा देता हूँ। गेट को एक बार बंद करके देखते हैं कैसे लगेगा। ओके तो हाँ सही है वैसे। फ़ैन वगैरह मैं सोच रहा हूँ परचेस कर लूँ या फिर ठंडी के समय तो आ चुका है, फ़ैन की वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, रहने देते हैं। ठीक है खैर अब ये काम करते हैं कि यार हम लोग पास हमारा पर्सनल रूम ही नहीं है। ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अपना पर्सनल रूम बनाते हैं, मतलब सब कुछ लाते हैं यहाँ पे। तो हाँ यहाँ पे सबसे पहले तो अपने एक चाहिए सिंगल बेड वन। ठीक है इसको परचेस कर लेते हैं। वैसे ये कलर सही नहीं है, ये कलर भी थोड़ा सा कम सही है, ये कलर थोड़ा सा ज़्यादा परफेक्ट लगेगा क्योंकि ये मतलब कि वैसा नहीं है ना जैसा पहले से कलर है ना, थोड़ा सा अलग लग रहा है। ठीक है और पहले वाला तो बिल्कुल सेम ही कलर था तो उतना अच्छा नहीं लग रहा था देखने को। खैर अब एक काम करते हैं, एक टीवी परचेस कर लेते हैं, टीवी वॉल प्लेस्ड और इसको यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर लगा दें हाँ बहुत ज़्यादा मस्त लगेगा। और इसको मैं चालू भी कर देता हूँ। ओके ठीक है पहले तो थोड़ी सी नीचे हो गई है, मैं थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पर लगा देता हूँ। ऑल राइट परफेक्टली लग चुकी है यार टीवी यहाँ पे, है ना बढ़िया लग रही है। ठीक है अब ये काम करते हैं, थोड़े से जो स्पीकर है ना इनको परचेस कर लेते हैं। भाई साहब अपने रूम के अंदर मस्त स्पीकर होने चाहिए। ठीक है स्पीकर परचेस कर लिया है। और वैसे यार एक हम लोग गेमिंग रूम भी बना सकते हैं, पता है अपना जो सामने वाला रूम है ना वो गेमिंग रूम बनाएंगे हम लोग, अभी बनाएंगे टेंशन मत लो आप लोग। ए फ्यू मिनट्स लेटर पेंटिंग 9 और इसको मैं यहाँ पे लगा देने वाला हूँ। ऑल राइट तो बढ़िया लग रहा है यार अपना रूम, है ना बिल्कुल ऐसा सिंपल सा जो रूम होता है ना, जो ऐसा सिंपल सा वाइब देता है वो भाई रूम अपना हम लोग को इस कर बनाया है। खैर अपने पास अभी भी $80,000 है और यार अभी हम लोग कार भी परचेस करना है और अपना जो गेमिंग सेटअप है ना उसको भी तैयार करना है। तो अभी बारी है कि हम लोग अपना जो गेमिंग सेटअप है ना उसको तैयार करें। काफ़ी सारी डेस्क हैं यहाँ पे, अभी मैं काम करने वाला हूँ कि कोई भी एक डेस्क परचेस कर लेता हूँ। वैसे काफ़ी सारी मस्त मस्ती हैं, $3,800 की ये वाली भाई साहब ये तो पूरा रूम कवर कर लेगी, कितनी मजबूत है यार टूटने ही नहीं वाली है, चाहे इसमें घूसा मारो चाहे थोड़ा भाई ये नहीं टूटेगी, बहुत ज़्यादा मजबूत है, गजब गजब के बिल्कुल यहाँ पे डेस्क मिल चुकी है हम लोग को। खैर अभी यहाँ पे एक काम करते हैं, अपने लिए एक चेयर भी परचेस करते हैं, गेमिंग चेयर परचेस करेंगे जो बहुत ज़्यादा महंगी और बहुत ज़्यादा प्यारी भी हो। ओके तो यहाँ पर ये है गेमिंग चेयर, इसको मैं यहाँ पे परचेस करके यहाँ पे रख देता हूँ। और भाई साहब यहाँ से अगर हम लोग गेमिंग करेंगे ना तो भाई नेक्स्ट लेवल यहाँ पे वाइब आएगी हम लोग को, नेक्स्ट लेवल फील आने वाली है। खैर अभी यहाँ पे जो गेमिंग का पूरा सामान है वो लाते हैं। सबसे पहले एक गेम पैड परचेस कर लेता हूँ, इसको मैं यहीं पर रख देने वाला हूँ। ओके एक यहाँ पे हम लोग मॉनिटर परचेस करने वाले हैं जो कि ये वाला होने वाला है भाई साहब, पूरा कवर कर लेगा डेस्क को, बहुत ज़्यादा प्यारा लगने वाला है भाई साहब, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है।
एक कीबोर्ड चाहिए अपने को, कीबोर्ड को यहाँ पे मैं रख देता हूँ। एक माउस चाहिए अपने को, माउस को यहाँ पे कीबोर्ड के जस्ट बगल में। ऑल राइट, एक PS5 चाहिए, एक मॉनिटर चाहिए अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं मॉनिटर परचेस कर लेने वाला हूँ और मॉनिटर कुछ इस प्रकार से हम लोग रखने वाले हैं। और एक PS5 चाहिए अपने को जो कि कंसोल है, इसको भी यहाँ परचेस कर लेता हूँ। ओ भाई साहब कितना खतरा सेट बन गया भाई साहब, अरे कितना खतरा। यहाँ पे हम लोगों ने अपना जो पूरा पूरा यहाँ पे तैयार कर लिया सेटअप। अब यहाँ पे अगर ऐसा सेटअप मुझे असली मिल जाए ना तो भाई साहब अलग ही लेवल की वीडियोस आए फिर तो नेक्स्ट से नेक्स्ट लेवल वीडियोस आएंगे भाई। होएगा होएगा करेंगे। खैर अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक काम करने वाला हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले तो एक जो ये वाला पंखा है जिसमें बहुत सारी ब्लेड्स है, पता नहीं यार गिनने में पता नहीं चलेंगे इतनी ज़्यादा ब्लेड्स हैं यहाँ पे, इसको मैं लगा देता हूँ। और एक AC में लगाने वाला हूँ क्योंकि भाई AC जरूरी है, ठीक है। AC यहाँ पे सामने ही लगा देने वाला हूँ। ऑलराइट, तो ये हो गया अपना पूरा पूरा काम। अभी एक काम और करने वाला है कि यहाँ पे कुछ और हम लोगों को साउंड चाहिए रहेंगे जो लाउड स्पीकर वगैरह है ना, तो यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं ताकि चिल हिल कर रहे हैं यहाँ पे, मस्त रह सकते हैं हम लोग चिल हिल करने के लिए। अभी यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसा टाइम पास आइटम भी होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ये, इसको मैं यहाँ पे लगा देने वाला हूँ। और यहाँ पे कटाना है, कटाना मैं परचेस कर लेता हूँ। वैसे गिटार वगैरह भी हम लोग परचेस कर सकते हैं ऐसा टाइम पास करने के लिए, बजाने हजाने के लिए मस्ती रहती है यहाँ पे गिटार वगैरह। ओके, तो यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम लोग काफ़ी सारे यहाँ पे मिल रहे हैं, जैसे कि एक पियानो है, एक सिंथेसाइजर विद स्टैंड, ये पता नहीं क्या है, इसको मैं परचेस कर लेता हूँ। और ये ऐसा रखता नहीं बनेगा, ये इसको यहाँ पे हम लोग इधर साइड रख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, और डन। तो यहाँ पे हम लोग बैठ करके इधर मुड़ करके इसको भी बजा सकते हैं बहुत ज़्यादा आराम से, ठीक है। तो यार ये रूम तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो गया। खैर अब ये काम करते हैं कि यहाँ पे जो लाइट्स हैं ना वो लगा देते हैं यार जल्दी से। तो यहाँ पे भी मैं जो सेलिंग लाइट 5 है ना वही लगाने वाला हूँ, एक बस इधर में लगा देने वाला हूँ और एक मैं इधर पीछे भी लगा देने वाला हूँ, बस दो में अपना काम हो जाएगा। छोटा सा रूम है, जैसे इसको हम लोग ऐसे जला देना ये वाली लाइट को और इसको भी जला देंगे, डन। और भाई साहब अभी अगर बाहर से कोई आ जाए और इस रूम के अंदर घुसे ना तो भाई पगला ही जाए भाई साहब, क्या ही तगड़ा सेटअप बना दिया भाई साहब है। और ये अपना बिल्कुल सिंपल सा अपना पर्सनल रूम भाई साहब, ज़्यादा उसके अंदर कुछ छेड़खानी नहीं करिए। खैर ये किराएदार के रूम है, किराएदार अपना खुद देख लेगा। हाँ तो अभी यार बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा प्यारा लगने लगा यार अपना घर। खैर अभी एक काम करते हैं, अपना जो गैराज है इसको ओपन कर देते हैं, चलते हैं डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा तगड़ी सी कार को परचेस करने जो कि हम लोग अपने यहाँ पे घर के ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे काफ़ी सारी महंगी महंगी कारें हैं, 33,000 की भी है, 35,000 की भी है, $1,00,000 की भी कारें हैं, $1,30,000 की भी कारें हैं, बहुत ज़्यादा महंगी महंगी कारें भी हैं, सस्ती भी हैं। हाँ तो यहाँ पे हम लोग एक काम करने वाले हैं, हम लोग अपने बजट के हिसाब से परचेस कर लेते हैं। तो अपना बजट जो है ना यहाँ पे है 50,000 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे एक $35,000 की एम्पेयर वाइट कार है, इसको मैं परचेस कर लेता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कैसा सा लुक रहेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है, सही लग रही ना। हाँ बढ़िया लग रही है, और भाई बड़ी कार है भाई, देख लो बड़ी कार है, साइज से हो जाना चाहिए। या फिर अगर मैं यहीं से चढ़ के यहाँ से पहुँच जाऊँगा ना, रुक जाओ यहाँ पे मैं पहुँच तो गया यार, इसलिए हो गया यार, फालतू में चढ़ना क्यों ही था। वैसे यहाँ पे चढ़ भी सकते हैं साइज से, नहीं नहीं ठीक है ठीक है। अभी मैं एक काम करने वाला हूँ, अपनी इस कार को वापस मैं थोड़ा सा इधर कसका करके लाता हूँ, और यहाँ पे अगर हम लोग चढ़ करके किसी प्रकार से वहाँ पे पेंट कर देना तो भाई साहब पूरे पूरा काम ही गजब का हो जाए। यहाँ पे जरा से मैं यहाँ पे जंप मारूँ कुछ इस प्रकार से, और वैसे यार यहाँ से पहुँचना वहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल है यार। A few minutes later. Okay, तो यार देखो अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे पीछे वाले जो यहाँ पे गार्डन था ना, यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे देखो मैंने मस्त है पूरे पूरे घर के अंदर यहाँ पे जो पेड़ है ना ऐसा मस्त लगा दिया भाई, बहुत ज्यादा मस्त सी वाइब आ रही है, और बाहर से देखने में तो अलग ही लुक आ रहा है। और यहाँ पे ये देखो कितना प्यारा लगा है यहाँ पे, मतलब बीच में एक लैंप लगा दिया और इधर उधर एक एक पेड़, भाई बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है, ठीक है। और पूरे पूरे यहाँ पे देखो हम लोगों ने ये मतलब कि यहाँ पे आराम से लेट सकते हैं स्विमिंग पूल में नहा करके, और यहाँ पे एक झूला लगा दिया, ठीक है। तो यार ये पूरे पूरे कर दिया है, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है कि यहाँ पे जो गंदगी है ना ये साफ नहीं हो पा रही, यहाँ पे पेंट नहीं हो पाया पूरा पूरा। मैंने ट्राई करा लेकिन यार नहीं हो पाया। खैर यहाँ पे मैंने दो गार्ड भी लगा दिए अपने घर पे, और ये अपना घर नहीं मेंशन है, तो भाई साहब मेंशन में गार्ड होने चाहिए, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। यार देखो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही रहने देते हैं, मुझे उम्मीद है कि इस बार जो हम लोगों ने ये मेंशन परचेस करा और इस मेंशन को पूरा पूरा बनाया और जितना भी जो कुछ करा है, मुझे उम्मीद है आप लोग काफी ज्यादा पसंद होगा। तो अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया है, ये घर पसंद आया, मेंशन पसंद आया है, तो वीडियो जरूर से लाइक कर देना। चैनल पर जितने लोग नए हो भाई लोग सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप लोग आगे भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो ना, तो अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल के आइकन को
वॉल पे कर लेना, जैसी वीडियो आएगी आप लोग सबसे पहले पहुंच जाएगा, ठीक है? कह रहे चलो भाई लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे, इस घर को सेल आउट करेंगे, इस मैंसन को, इससे भी बड़ा और बहुत ज्यादा तगड़ा सुंदर सा घर या फिर मैंसन परचेज करेंगे। उसके लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो तक का। खैर चलो भाई लोग, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो पे। बाय।